नमस्कार। ई कुत्ता है और ई गाय है और घटना पटना की है। हुआ ये कि कुत्ते ने गाय को काट लिया और उसके बाद क्या होना था? संस्कारी आईटी सेल वालों ने अफवाह फैला दी कि कुत्ते का मालिक मुसलमान था। बस क्या था, आपस में लोग भिड़ गए। हालात ये हुई कि तमाम जो थाने थे उनकी पुलिस इलाके में पहुंच गई कि मामला कहीं दंगे में तब्दील ना हो जाए। फिर मामला सामने आया कि नहीं, कुत्ते का मालिक तो हिंदू है। फिर क्या हुआ, भीड़ को यह आभास हुआ कि भैया हमें सल्फेट बनाया गया है। सब जय श्री राम कह के वापस अपने घर चले गए। वेलकम टू द इंडिया ऑफ 2019। दोस्तों ये मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक, द जोक इज ऑन यू। आज की तारीख में जब इस तरह की घटनाएं इस देश में होने लगे, तब आपको अंदाजा होना चाहिए कि यह देश कौन सी दिशा अख्तियार कर रहा है। अमेठी के अंदर एक 64 साल के रिटायर्ड आर्मी कैप्टन को भीड़ मौत के घाट उतार देती है। मामले के क्या कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, मगर यह शख्स जो आर्मी में अपनी जिंदगी बिता चुका है उसे भीड़ मौत के घाट उतार देती है। और फिर ये 62 चाटुकार ये दावा करते हैं कि ये तमाम मुद्दे जो इन लोगों ने उठाए वो दरअसल हिंदू विरोध है, वो दरअसल मोदी विरोध है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और न्यूज चक्र में आज हम आपके सामने दो अहम मुद्दे उठाने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा उन्नाव का, उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता के मामले में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आया है जिसमें एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को रौंद डाला है। और दूसरी खबर, हम बात कर रहे हैं जय श्री राम और भीड़ के कानून के हिंसा की। जी हां, आज यह मामला कल्पना से भी विचित्र हो चला है। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं उन्नाव का। उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता अपने वकील और अपने दो रिश्तेदारों के साथ एक कार में बैठकर जा रही होती है। सामने से एक ट्रक आता है, वो ट्रक जिसका कोई नंबर नहीं होता है, जिसके नंबर पर कालिक पोत दी गई होती है, और ट्रक बुरी तरह से गाड़ी को रौंद डालता है। नतीजा, गैंगरेप पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत, वकील और खुद गैंगरेप पीड़िता की हालत बेहद गंभीर। आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, यह गुंडा राज नहीं तो क्या है, यह जंगल राज नहीं तो क्या है? ऐसा तो 70 और 80 के दशक की हिंदी फिल्मों में हुआ करता था ना, कि इस तरह से कोई ट्रक आता था और नायक या नायिका के रिश्तेदारों को रौंद के निकल जाता था। यह क्या हो रहा है योगी राज में? आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इस मामले की देखरेख तो सीबीआई कर रहा था ना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने कहा था कि हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि हम केस को वापस ले लें, तो फिर सीबीआई ने इस पर काम क्यों नहीं किया? वो दिल्ली में रहती थी सर, उसके बाद यहाँ आई सर, उसके बाद दो दिन रही, बयान हुए सीबीआई कोर्ट के, चाची जी के नहीं, पीड़िता के। अच्छा। उसके बाद जो है सर ये नबी, हाँ सर, घर पे आते थे सर, कहते थे बहन वहां ले लो, नहीं अभी तो एक अभी तो सब मरना है सर, उन्हें तेरे चाचा को तो अंदर ही किया, अभी तेरी चाची को तो ऊपर पहुंचाना है और पहुंचा दिया सर। कौन कहता था, कौन धमकाते थे? अरुण मिश्रा थे और यह थे जो नवीन सिंह थे। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि गैंगरेप पीड़िता की सुरक्षा में चार लोग लगाए गए थे, तीन महिला कांस्टेबल और एक गनमैन? फिर कैसे हुआ कि चमत्कारी ढंग से अचानक ये चारों लोग उनके साथ नहीं होते? तर्क क्या दिया जा रहा है, क्योंकि पहले ही कार में इतने लोग बैठे हुए थे लिहाजा हम जा नहीं सकते थे? ऐसा कह के आप देश की नादान जनता को मूर्ख बना सकते हैं जिनके दिमाग में धर्म का धतूरा हो, मगर उन लोगों को नहीं जो हर मुद्दे में तर्क और लॉजिक की तलाश करते हैं।
आज इस घटना को लेकर क्या हमारे पास कोई जवाब है? आज कुछ सवालों पर आपको गौर करना होगा। गैंग रेप का आरोपी होने के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से अब तक क्यों नहीं निकाला? यह शख्स जेल में था और जेल में होने के बावजूद साक्षी महाराज इस शख्स से मिलने जेल में गए थे, बेखौफ बेशर्मी से, और अब गैंग रेप पीड़िता के साथ यह होता है। मगर जिस दोजक के दौर से यह गैंग रेप पीड़िता गुजर रही है, अभी का नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यह मामला सार्वजनिक हुआ था तब इस गैंग रेप पीड़िता ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी के निवास स्थान के सामने धरना दिया था, खुद को जलाने का प्रयास भी किया था। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के कुछ साथियों ने इसके पिता की पिटाई की और थाने की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, याद हैं वो तस्वीरें? उन तस्वीरों के बाद इसके पिता की मौत हो गई थी। फिर रहस्यमय तरीके से उस गैंग रेप का जो प्रत्यक्षदर्शी था, जो गवाह था, उसकी भी मौत हो जाती है। एक सवाल यह भी कि राष्ट्रीय महिला आयोग आखिर उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता की सुद क्यों नहीं ले रही? राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसा क्यों साबित करने में तुली हुई है कि वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी की पिछलग्गू, उसकी चाटुकार बनी हुई है? यह गैंग रेप पीड़िता तो एक अरसे से टॉर्चर का सामना कर रही है, तो फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन खामोश क्यों है? एक के बाद एक इस परिवार पर दुखों के न जाने कितने पहाड़ टूटने लगते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि यह साबित करता है, यह साबित करता है कि अगर आपके सिर पर किसी ताकतवर की सरपरस्ती नहीं होगी तो आपको एक कीड़े की तरह कुचला जा सकता है, रौंदा जा सकता है। उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ यही हो रहा है, क्योंकि उनके जो उन्हें टॉर्चर करने वाले, उन्हें पीड़ित करने वाला जो शख्स है वो एक दबंग है, वो एक ताकतवर है, और अब वो उनके पूरे परिवार को संभवतः खत्म किया जा रहा है। कौन खत्म कर रहा है? क्या इन सवालों के जवाब दिए जाने जरूरी नहीं है? ताजा खबर यह है कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर और आटन के खिलाफ उन्नाव रेप केस पीड़ित के एक्सीडेंट के मामले में, जो कि रायबरेली में हुआ था, उसमें एक FIR रजिस्टर हो गई है, यानी कि कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। मगर जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, स्वाभाविक सी बात है कि यह महज शुरुआत ही मानी जाएगी, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, और न्यूज चक्र में उन्नाव में जो कल्पना से विचित्र मामला सामने आ रहा है, उसकी चर्चा को कुछ देर के लिए हम विराम दे रहे हैं और हम रुक करने वाले हैं। वो मुद्दा जिससे मानो पूरा देश घिरा हुआ है, बात हो रही है भीड़तंत्र की, बात हो रही है कि जय श्री राम का नारा लगाकर जिस तरह से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मगर उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा इस ब्रिटिश नागरिक फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर के इस ट्वीट पर। शेखर कपूर इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं? शेखर कपूर कहते हैं, आई स्टार्टेड माई लाइफ एज ए रेफ्यूजी ऑफ पार्टीशन, पेरेंट्स गेव एवरीथिंग टू मेक अ लाइफ फॉर किड्स, वॉज ऑलवेज इन फेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, दे मेड मी फील इनसिग्निफिकेंट स्मॉल, देन सडनली एम्ब्रेस्ड मी आफ्टर माई फिल्म, आई स्टिल फेयर देम, दे एम्ब्रेस इज लाइक द बाइट ऑफ अ स्नेक, स्टिल अ रेफ्यूजी। कहीं ना कहीं शेखर कपूर तंज मार रहे हैं उन 49 बुद्धिजीवियों पर, उन 49 फिल्म मेकर्स पर जिन्होंने जय श्री राम को एक वॉर क्राय बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। आपने अगर इस ट्वीट पर गौर किया तो बहुत ही चतुराई से शेखर कपूर ने हिंदू मुस्लिम का खेल खेल दिया, पार्टीशन का जिक्र करके, और उसके बाद बुद्धिजीवियों से डर लगता है। यहां पर उन्होंने खेल किसका खेल दिया? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था कि जय श्री राम एक वॉर क्राय हो गया है और उसके नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आज इन शेखर कपूर से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी पहली फिल्म मासूम, अगर उस फिल्म को नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सैयद जाफरी, इन तीनों का समर्थन नहीं मिलता तो आप कहां होते शेखर कपूर? और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये 49 बुद्धिजीवी
लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ये लोग एंटी इंडियन कैसे हो सकते हैं? अगर ये लोग भीड़तंत्र के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं तो इन शाटुकारों ने, इन 62 शाटुकारों ने उन्हें मोदी विरोध के साथ कैसे जोड़ दिया? हमें अंदाजा भी नहीं है दोस्तों कि हम क्या से क्या होते जा रहे हैं। भीड़तंत्र और भीड़ की हिंसा कहां से कहां पहुंच गई है, उसकी एक मिसाल अमेठी में सामने उभर कर आती है, जहां एक आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन 64 वर्षीय अमानुल्लाह को भीड़ जो है मौत के घाट उतार देती है। यह हो गया हमारा देश। चलिए मान लिया कि इन चार दर्जन बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने भीड़तंत्र को लेकर, जय श्री राम को वॉर क्राई बनाने को लेकर जो सवाल उठाया था, मान लिया कि वो मोदी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, आपका मन रखने के लिए मैं ये भी कह देता हूं कि वो देश विरोधी हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको मालूम है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वो खबर जो आपसे छिपा दी गई, हम आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस याचिका के बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पालन न करने का आरोप लगाया गया था। जी हां, भीड़ तंत्र की हिंसा और मॉब वायलेंस को लेकर आपको याद होगा 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक 11 सूत्रीय आदेश जारी किया था और उस पर कोई कार्रवाई अब तक सरकार या राज्य सरकारों ने नहीं की। नतीजा यह हुआ कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार से पूछा कि आपने किया क्या है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दरअसल वो 11 सूत्रीय दिशा निर्देश हैं क्या। नंबर एक, राज्य सरकार हर जिले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नियुक्त करे ताकि हिंसा या मॉब लिंचिंग जैसी घटना ना हो। नंबर दो, राज्य सरकार उन गांव, जिलों और संभागों की पहचान करे जहां मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। नंबर तीन, जिलों में आपसी तालमेल और रणनीति को लेकर क्या काम हो रहा है, यह जानकारी नोडल ऑफिसर्स राज्य के DGP को मुहैया कराएं। नंबर चार, यह हर पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होगा कि वो भीड़ को एक जगह जमा ना होने दे जो मॉब लिंचिंग या कानून अपने हाथ में ले सकती है। नंबर पांच, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो TV चैनल्स और समाचार माध्यमों के जरिए ये संदेश दे कि मॉब लिंचिंग के गंभीर परिणाम होंगे। नंबर छह, सोशल मीडिया में भड़काऊ और आग लगाने वाले संदेशों और वीडियोस पर काबू पाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत FIR की जाए। नंबर सात, पीड़ित के परिवार वालों को परेशान न किया जाए, यातना न दी जाए। तो ये तो महज 7 दिशा निर्देश हैं दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे 11 दिशा निर्देश हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आप इसके दिशा निर्देश 5, 6 और 7 पर गौर करें। 5 ये कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दायित्व होगा कि TV और समाचार माध्यमों के जरिए यह संदेश दे कि मॉब लिंचिंग के गंभीर परिणाम होंगे। आप खुद जानते हैं दोस्तों कि प्राइम टाइम टेलीविजन में बाकायदा मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स वो दंगा फैलाने वाले कार्यक्रम करते हैं, तो इस दिशा निर्देश के क्या मायने हैं? नंबर 6, सोशल मीडिया में भड़काऊ और आग लगाने वाले संदेशों और वीडियोस पर काबू, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR। सत्ता में बैठी जो पार्टी है उसका IT सेल और उससे जुड़े लोग लगातार अपने WhatsApp ग्रुप्स के जरिए, अपने Facebook पेजेस के जरिए, और इनके मुखिया भी झूठ और गलत प्रचार करते हैं, इसकी ढेरों मिसालें सामने हैं। और यही नहीं, ऐसे लोग लगातार झूठ फैलाते हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती है। तो दिशा निर्देश नंबर 6 के क्या मायने हुए? 7 नंबर, पीड़ित के परिवार वालों को और परेशान ना किया जाए, यातना ना दी जाए। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने क्या किया है? पहलू खान के परिवार वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पहलू के हत्यारों का तो कुछ नहीं पता है, आप खुद देखिए राज्य सरकार की क्या यहां पर प्राथमिकता है। अखलाक की जब हत्या हुई थी तो उसके मौत के जो आरोपी थे उनमें से जब एक शख्स की मौत हुई थी तो उसके शव को तिरंगा से लपेटा गया था और उसकी अंतिम यात्रा में महेश शर्मा, जो कि नोएडा के सांसद हैं, वो शामिल हुए थे। तो ये हालत है हमारे देश का, ये हालत है हमारी सत्ता का, सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों का। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आखिर क्या मायने हुए? दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं ना, ये जो 62 लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं कि साहब कि देश में मॉब लिंचिंग की बात करने वाले, जय श्री राम को वॉर क्राय की बात करने वाले, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो लोग अक्सर 2 चीजों का सहारा लेते हैं। पहला, ये लोग मोदी विरोधी हैं, और दूसरा,
ये लोग हिंदू विरोधी हैं। यानी कि ये दो शब्द, मोदी विरोध, हिंदू विरोध, ये ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं इस मुद्दे पर, मोदी विरोध। एक बात स्पष्ट है दोस्तों, और हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर ये 62 लोग मैदान में उतर कर आए हैं तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, इससे हम खारिज नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे बीजेपी नहीं है तो आप फूल्स पैराडाइज में हैं और आपको वहां रहने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर आज मैं कुछ सवाल खुद प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये कहा जाए बीजेपी से पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, आप आखिर भारत की दुनिया में कैसी छवि चाहते हैं, किस तरह की छवि आप भारत में चाहते हैं? सवाल नंबर दो, आप बेशक चुनाव जीत जाएंगे मगर देश की इज्जत का क्या होगा पूरी दुनिया में? सवाल नंबर तीन, अगर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र कहा जाता है तो भारत को क्या दर्जा दिया जाए, जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, जहां रेप तक को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? कठुआ याद है कि नहीं है आपको? सवाल नंबर चार, मेरा सवाल बीजेपी से है, सवाल नंबर चार में, आप सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, सिर्फ एक चुनाव जीतना चाहते हैं, मगर दांव पर देश का भविष्य है, आने वाला वक्त आप किस तरह का चाहते हैं? नंबर दो, आप इतिहास में हमें कैसे याद रखना चाहते हैं? ये सवाल लाजमी है और इन पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है। तो न्यूज चक्र में आज एक बार फिर वो मुद्दे जो आपको असहज करते हैं, जो आप में से अधिकतर सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको कचोटती हैं, आपके अंदर की बदनुमा शख्सियत को एक्सपोज करती है। मगर ये मुद्दे, ये पहलू मैं लगातार आपके सामने लाता रहूंगा। आप सबसे अपील की न्यूज चक्र के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, मेरी आप सबसे यह भी अपील कि न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें।